हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है, और फ्लिपकार्ट से कुछ और नहीं, विंटर चल रहा है, विंटर, और सबको ठंडी लग रही। मतलब कुछ ऐसे कपड़े मंगवाए ना जिसमें बहुत ज़्यादा अगर ठंडी लगती है ना, तो उसमें भी आप वार्म फील कर सको। और कुछ ऐसे क्लोथ्स मैंने मंगवाए हैं ना कि जो आप यूजुअली बाहर भी पहन सको मंगवाए। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एंड में ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरा वाइड लेग पैंट्स का वीडियो नहीं देखा है जो मैंने मीशो से ऑर्डर की है, तो लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक कर लेना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या मंगवाया है। जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया वो प्रोडक्ट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। और आई थिंक सो ये हॉल में मुझे कुछ ज्यादा ही वो पसंद आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब इसको पहन के बाहर निकलूं। सभी जो प्रोडक्ट्स है मैंने ट्राई करके देखे है, देन उसके बाद में आपको रिव्यू दे रही हूँ। इसमें अलग कलर्स भी अवेलेबल है, मैं आपको साइड में दिखाई दूंगी कौन से कलर अवेलेबल है। और वाओ, इट जस्ट वाओ, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। और मैं बताया कि आपको इसका जो फील है ना, आपको अगर कोई हग करेगा ना तो मैं आपको लिख के देती हूँ, बहुत अच्छा फील होने वाला है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है। और बताया ये इसके स्लीव्स भी मुझे काफी प्यारे लगे, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, इसका फिट। और अगर आप इसके साथ में हाई वेस्ट पैंट पहनते हो, मैं आपको बता ही रही हूँ कि हाई वेस्ट पैंट के साथ ये कैसा लग रहा था। सो मैं जस्ट फैन हो गई इसके। और प्राइस की बात करूंगी तो अच्छे प्राइस में आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है, और इसमें आपको बहुत अच्छा वार्म फील होने वाला है। मतलब एकदम बेस्ट डील है। आप डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया तो आप डेफिनेटली इसके साथ में जाओ। आई डोंट नो वाई, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ में, और मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको पहनूँ और कहीं पे मतलब पहन के मैं वीडियोज इसके निकालूँ, फोटोज़ जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ रील्स भी मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस। और इसकी जो भी डिटेल्स है लाइक साइज और एवरीथिंग मैं आपको मेंशन कर ही दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दिस इज फ्रॉम द रोडस्टर। ये रोडस्टर ब्रांड से मैंने मंगवाया है, और इसकी भी प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्राइस की कंपेरेटिवली, और ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है रोडस्टर। इसके काफ़ी कपड़े मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। मैंने थोड़ा सा एक साइज बड़ा मंगवाया है तो ताकि मुझे ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा लूज रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ठंडी में टाइट कपड़े में पहनूँ। और रही बात की इसके कलर की क्वालिटी की, ये भी बहुत अच्छा है, और ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत वार्म भी नहीं है। आप देख सकते हैं काइंड ऑफ स्वेट शर्ट है, इसके कलर मुझे बहुत प्यारे लगे। और जिसकी प्राइस जो है मैं साइड में आपको दे ही दूंगी, यहाँ पे उन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है, आप अगर नीचे से फोल्ड करके इसको पहनोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगने वाले हो। इसमें कलर्स भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स मैंने देखे इसमें अवेलेबल थे, और मेरे पास ये कलर नहीं था तो मैंने ये कलर मंगवाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आई विल डेफिनेटली कीप दिस जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं ऐसा नहीं कि विंटर्स में पहनूँ, बाद में भी कभी पहन सकती हूँ, बट विंटर के लिए बेस्ट है कि आप कभी भी ऐसे नॉर्मली एज अ जैकेट इसको कैरी कर सकते हो, एज अ लाइक स्वेट शर्ट भी आप इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल है। और लाइक प्राइस भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिला है, और रोडस्टर मेरा ऑलवेज फेवरेट है, सो मैं ऑनलाइन हमेशा इससे बाय करती रहती हूँ, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट वन जो है मैंने स्वेट शर्ट मंगवाया है अगेन, ये भी रोडस्टर से ही है, सॉरी एक्चुअली मुझे धूल से एलर्जी है, पता नहीं इसमें धूल थी या क्या था, बट मुझे वो हो गया। इसको भी मैंने ट्राई करके देखा, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो साइज़ है वो बड़ी आई है, और पता नहीं मैंने कैसे बड़ी साइज में ऑर्डर किया है, बट इसको ट्राई मैं ज़रूर करके बताऊंगी, इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। इसको मैंने एल साइज में मंगवाया था, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई मुझे। और इसका जो नेक है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी ये स्लीव्स है, बट नेक पे इसका वाइट कलर का दिया हुआ है, पूरा जो है वो स्वेटशर्ट जो है ब्लैक कलर का है, और दोनों की भी क्वालिटी सेम है रोडस्टर की, और ऑब्वियसली क्वालिटी के लिए क्वालिटी की तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल मुझे इसका लगा। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 600 और 700 के समथिंग इसकी प्राइस है अराउंड, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर 600-700 में कोई ब्रांडेड अच्छे प्रोडक्ट मिल जाता है तो ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि सालों साल तक चलता है, और ब्लैक तो मेरा ऑलवेज फेवरेट है ही, तो इसको मैं ज़रूर रिप्लेस करूँगी न्यू के साथ में। अभी देखते हैं न्यू
जो मैंने थोड़ा सा अलग मंगवाया है, क्योंकि सब लोग तो स्वेट शर्ट और ये सब नहीं पहनते हुडीज, तो मैंने कुछ स्वेटर टाइप में मंगवाया है और ये मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट इसके साथ में लगी तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो ये स्वेटर है कुछ लॉन्ग में है, साइड में आपको बता ही रही हूँ कि कैसा दिखेगा। ये पहन के ठंडी में पसीने आ रहे थे, सो यू कैन जस्ट इमेजिन। और हेवी भी काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इवन इसका पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो ये लॉन्ग में है, इसको यहाँ पे पॉकेट्स भी दिए हुए हैं। आप मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, कुछ बाहर जा रहे हो या फिर ठंडी कुछ अभी एक आध महीने से ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। किसी को ऐसे बड़े स्वेटर्स ज़्यादा पसंद आते हैं तो उनके लिए बेस्ट डील है, और इतने कम प्राइस में अगर आपको मिल रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये लगी कि इस आप साइड में आप देख ही रहे होंगे कि इसका ये जो साइड्स है ये थोड़ा बड़ा है और ये साइड की जो दूसरी वो है वो थोड़ा सा छोटा लगा मुझे, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न करना पड़ेगा। जब मैं पहनती हूँ तो दिख के आता है, ये देखो आप, ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से मैं इसको रिटर्न करूंगी। शायद से एक हाथ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा। सो बट अदरवाइज प्रोडक्ट इज वेरी 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 गुड, सो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। ये मुझे काफी अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा। इनकी वीडियो का लास्ट जो प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं, और वो है ये स्वेटशर्ट जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके स्लीव्स पे जो डिजाइन है, पूरा स्वेटशर्ट जो है प्लेन है और इसके स्लीव्स पे डिजाइन दिया गया है। इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा, अंदर की बात करूं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी आपको चुभने नहीं वाला है, और मुझे क्वालिटी तो अच्छी लगी है, बट जो इसका डिजाइन है, इसका कलर है, इट जस्ट वाओ। मैंने जब इसको पहना था तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसके ऊपर। अब इसके नीचे अगर आप ब्लैक कलर की पैंट पहनते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है, और अब अगर आप इसको लाइक विंटर्स में या फिर रेनी सीजन्स में भी पहनोगे तो भी आप मतलब बहुत अच्छे से इसको पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं है, एक अच्छा फील आपको देता है और इतने कम प्राइस में अगर आपको मिल रहा है, प्राइस इतनी कम भी नहीं है, बट क्वालिटी की बात करूँगी तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ थोड़ा ट्रेंडी भी रहे और विंटर में पहन भी सकते हो, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ना, दोनों भी आपको स्टाइल भी मिलेगा विथ स्वेट शर्ट भी मिलेगा। तो मैंने आज की वीडियो में जो भी स्वेट शर्ट या स्वेटर्स बताया है, जो विंटर वेयर्स बताया है, मुझे सभी बहुत अच्छे लगे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने एंड तक मेरा वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी फैमिली बनने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मीशो का हॉल देखने मिलेगा। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना, और कमेंट करना कि आप और कि कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, मच लव।